नमस्कार, योगी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है गृहस्थी के कारण, आने जाने वाले लोगों का ताता रुक जाता है और ठंडक भी है, तो इसी कारण थोड़ी और दिक्कत हो गई। दो दिन मैं भी ठंडक से ही परेशान था, कुछ कष्ट हो गया था ठंड के कारण। उम्र का दोष है, आज मैं हाजिर हूँ। कल 26 जनवरी है। हमारे देश के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत ही बहुमूल्य और कीमती देश है, लेकिन हमसे एक दिन पहले जो देश आज़ाद हुआ उनकी इच्छा में, फितरत में, मन में क्या भाव है जो इसी दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही कुछ न कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं कोई बाधा इस आनंद में करना चाहते हैं। और ये बराबर देखा हूँ, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो हमारे देश के सैनिकों को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं या ऐसे लोग जो गुप्त सूचनाएं इकट्ठे करते हैं, उन लोगों की ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है। जबकि सबों को मालूम है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, हम लोग के अंदर में युद्ध का उन्माद नहीं है। हम लोग के अंदर में युद्ध का उन्माद नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हम लोग एक कायर व्यक्ति हैं, धोखे से, षड्यंत्र से कभी भी छल कपट द्वारा भारतवर्ष में अशांति फैलाने की चेष्टा रहती है। उसी के क्रम में ये 26 जनवरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये माघ का महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, भारतीय संदर्भ की बात बोल रहा हूँ। माघ का महीना ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात मैं नहीं कर रहा। माघ का महीना 2024 का ये बड़ा उथल पुथल और अशांतिदायक है, और इसी में ये 26 जनवरी भी आ गया। तो अपने देश में तो जो चेष्टा होगी होगी, आप ये देखेंगे कि मंगल, हम जब स्वतंत्र हुए तो हम लोग का रात में लग्न था वृषभ, शुक्र मीठे ग्रह, शांति वाले ग्रह, और एक दिन पहले जो स्वतंत्र हुए उनका लग्न था मंगल। मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ वायलेंस, ये आग नहीं है, धधकती हुई आग है, ये ज्वाला है, जंगल जल जाते हैं, समुद्र में आग लग जाती है, देश के देश नष्ट हो जाते हैं, गांव नष्ट हो जाते हैं, चलती हुई गाड़ी में आग लग जाती है, प्लेन में आग लग जाती है, बिना कारण के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कहीं आग लगा दी जाती है, ये मंगल का काम है। उसमें उन्माद भी होता है। तो ये मंगल और शुक्र एक साथ हैं और धनु राशि में है। धनु राशि अग्नि को बोलते हैं, धनु राशि हम लोग सभी जानते हैं, तीर धनुष को बोलते हैं, ये युद्ध की राशि है। तो इसी अग्नि तत्व में मंगल भी है, जो पूर्णतः अग्नि तत्व है, लिहाजा कुछ तोड़ फोड़ की आशंका तो बनी रहती है। थैंक्स टू जो लोग हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, सचेतक हैं, उन लोगों के जो जागरूकता है उसके कारण बहुत बड़ी हानि होने से हम लोग बच जाते हैं।
अब ये देखिए, प्रातः काल से लेकर के 10:29 या 10:30 बजे तक मोटा मोटी पुष्य नक्षत्र है। और जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो हमारा नक्षत्र उसमें पुष्य नक्षत्र ही था। उस पुष्य नक्षत्र के साथ ही मंगल है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई उल्टी पुल्टी बात ना हो, ईश्वर रक्षा करे। दूसरा कि भारतवर्ष का जो नक्षत्र था, इस चंद्रमा के ऊपर में भी मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है। इस चंद्रमा से मंगल, बुध और शुक्र षडाष्टक हैं, इसी चंद्रमा से शनि षडाष्टक हैं, तो थोड़े सावधान रहने की जरूरत है हम लोगों को। अस्तु, एक बात और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे जो राजनेता गण हैं, जिनकी भी राशि कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, चंद्रमा कर्क में है इसलिए बोल रहा हूं, जिनकी राशि कर्क हो, जिनका लग्न कर्क हो, जिनके कर्क राशि में अपवित्र ग्रह हो, मंगल हो तो बहुत भयानक है, राहु हो तो षड्यंत्र से है, विष से है, धोखा से है। ऐसे में हमारे राजनेताओं की सुरक्षा बहुत कड़ी होनी चाहिए, और अतिशय उत्साह में प्रोटोकॉल छोड़ करके उनको नहीं मूव करना चाहिए। अब ये तो मैं नक्कार खाने में तूती की आवाज कहा जाएगी, मैं तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं, सीख रहे हैं, जानकारी हैं, उनको बोल रहा हूँ कि मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि पड़ रही है। मंगल परम शत्रु हैं हमारे राशि के, नक्षत्र के। बुध भी मंगल के शत्रु ग्रह होने के कारण दिक्कत है, शुक्र भी मंगल आपस में मित्र नहीं है, तो कुछ बातें हैं जो छोटी मोटी इंडिकेशंस हैं। और जो हमने कहा कि ये माघ महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इस बार का शुभ नहीं है, तो भारतवर्ष, अफगानिस्तान, चीन, जापान, यहाँ थोड़ा सा झंझट है। बम विस्फोट हो, प्लेन विस्फोट हो, प्लेन में विस्फोट हो जाए, वायु आकाश की बात ज़्यादा बोल रहा हूँ, भयंकर बारिश हो, भयंकर हिमपात हो, तो ये उपद्रव की निशानी है जो राजनीतिक अस्थिरता दिखाता है और एक दूसरे के प्रति युद्ध अनुवाद उन्माद की भी बात कहता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, केतु को ईरान बोलते हैं, केतु रिप्रेजेंट्स ईरान, केतु यहां है, 6 नंबर में केतु है। और ब्राह्मीर वगैरह के हिसाब से वो लोगों ने 10 नंबर को भी भारतवर्ष का लग्न बताया था।
तो यहाँ से इसकी पंचम दृष्टि पड़ती है, 10 नंबर पर पाप कर्तारी योग में भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा दिखता है कहीं भूकंप की बाधा ना हो जाए, भगवान ना करे मेरी बात कहीं से भी 0.00001% भी सत्य हो, ईश्वर से प्रार्थना है। तो युद्ध और भूकंप और प्राकृतिक उत्पात की बात भी इस पूरे माघ महीना में है, जिसमें चीन में जो परेशानियां हैं, जो भूकंप वगैरह आया है तो विदित है, लेकिन फिर भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, इस चंद्रमा से देखिए शनि सदास्तक हैं, इस चंद्रमा से मंगल बुध और शुक्र सदास्तक हैं, चंद्रमा पर मंगल की अष्टम दृष्टि है, और शनि की भी गुरु पर तीसरी दृष्टि पड़ती है शनि की। तो ये सब मिलजुल करके थोड़ा सा ठीक भी नहीं है, और संघात चक्र भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि दक्षिण भारत, दक्षिण दिशा और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट पोर्शन में हल्का सा ईस्टर्न जोन भी आ जाता है, यहाँ भी थोड़े से प्राकृतिक उत्पात और दूसरे तरह की उत्पात भी संभव है। अस्तु, नक्षत्र सिद्धांत से 10:29 के बाद पुष्य समाप्त होकर के आश्लेषा नक्षत्र आ जाते हैं, तो दिन का एक बड़ा सा भाग आश्लेषा नक्षत्र में है, तो इसलिए हमने आश्लेषा नक्षत्र को ही आधार बना करके नक्षत्र सिद्धांत की बात कही। कारण कि सुबह प्रातः काल 10:30 तक तो पुष्य है, तो आश्लेषा का बुध का नक्षत्र है, तो हमने बुध लिखा, बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि, इसके हिसाब से जन्म संपत्ति विपत्ति क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र और परम मित्र, तो गुरु विपत तारा में पड़ रहे हैं। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृपया आप अपने को जहां भी रहें जैसे भी रहें सुरक्षित रखने की चेष्टा करें। और खास करके ऐसे लोग जिनकी ओबेसिटी है, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जिनके लिए मोटापा एक रोग है, और उसमें भी ऐसे लोग जो मोटे भी हैं, पहले से रोगग्रस्त भी हैं, और साधु संत महात्मा जैसा उनका आहार व्यवहार विचार है, उनके लिए भी ये ज्यादा कष्टकर है। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वृक्षरा धनिष्ठा चित्रा, आपके लिए भी समय शुभ नहीं है। आपके लिए आज का दिन आश्लेषा नक्षत्र वाला प्रत्यारी तारा में पड़ता है, शत्रु तारा में पड़ता है, एनिमिटी जोन में पड़ता है, तो बहस ना करें, धक्का धुक्की ना करें ट्रेन पर चढ़ने में या जैसे भी हो कहीं पर भी, किसी को हल्का भी खरोच ना लगाए, वो लग जाएगा मारपीट करने लग जाएगा, बहस तो हरगिज ना करें। खास करके ऐसे लोग जो बलिष्ठ हैं, जो लगता है कसरती जवान है, उनसे ना उलझें आप। भूमि से रिलेटेड कोई भी काम में आप आज सिग्नेचर ना करें, ना खरीदें, ना आप जवान दें। छोटे भाई से जिनके परिवार में पारिवारिक झंझट चल रहा है, आपको भी विशेष ध्यान देना होगा, आप मत उलझिए।
मंगल खून को बोलते हैं, बोन मैरो को बोलते हैं और मांसपेशियों को बोलते हैं। तो इनमें भी जिनको कष्ट है कृपया अपने शरीर की हिफाजत करें। और सूरज के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, आपके लिए आज का दिन यदि आपकी कुंडली में दशा अंतर दशा खराब चल रही है, सूरज बेसिकली आपके कुंडली में शुभ ग्रहों के मालिक नहीं है, 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं या उपचय के लॉर्ड हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके शरीर को चोट लग सकती है, हानि हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ऐसा कुछ ना करें। जिनको हड्डियों की शिकायत है, बीमारी है, ये लोग भी बहुत सावधान रहें। यदि आपका काम कहीं सरकारी कर्मचारियों से है, पड़ा हुआ करना है, तो उलझिए मत, यस्सर बोलकर ही काम निकाल लीजिए, दबाव में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन ग्रह तो आश्लेषा नक्षत्र के कारण सही नहीं है। और बुध के तीन नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, आपका समय खराब नहीं है, लेकिन आप अपनी स्किन की रक्षा करें, शरीर की, और आपकी बोली मीठी होनी चाहिए। आज जैसे मान लिया आप जा रहे हैं, आप साइकिल से ही जा रहे हो, तो यदि स्कूल के रास्ते से जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि बच्चों को चोट ना लगे। बुद्ध बोलते हैं बालक को, किशोर को, इसलिए कहा। बुद्ध बोलते हैं स्किन को, तो जिनकी स्किन ड्राई है, थोड़ा स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए। स्किन बोल बुद्ध बोलते हैं बोली, बोली को मीठा कर लीजिए, कम बोलिए मीठा कर लीजिए, दर्शाओ। तो इन चार ग्रहों को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों के लिए समय बहुत बढ़िया है। शनि के तीन नक्षत्र वाले आज कुछ पा रहे हैं आप, राहु के तीन नक्षत्र वाले आज आपके लिए कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, और चंद्रमा के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए फर्स्ट क्लास दिन है। इसके अलावा शुक्र के तीन नक्षत्र में और केतु के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए समय फेवरेबल है, अनुकूल है, लेकिन आकाशीय स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए जो लोग, मेरी आवाज़ तो सभी जगह नहीं जाएगी, लेकिन जो लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर उत्पात की संभावना है, उस इलाके में थोड़ी सावधानी से रहा जाए। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से थोड़ी बहुत जानकारी दे दी आपको हमने। और षडाष्ट की स्थिति होने के कारण थोड़ी गड़बड़ी होती है। इतने सारे ग्रह 6-8 के रिलेशन में पड़े हुए हैं और एक्सिस है सूरज और चंद्रमा का। जस्ट पूर्णिमा खत्म हुआ है तो सूरज और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री के दूरी में रहते हैं। चंद्रमा में तो बल है, चंद्रमा अपने राशि में भी है तब भी बल है। तो जिनके कुंडली में चंद्रमा बली है, स्वस्थ है, स्ट्रांग है, 4 नंबर में है, 2 नंबर में है, गुरु के घर में है, दैट इज
12 नंबर में है, खास करके 9 नंबर के लिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। और शुक्र के घर में है 2 नंबर 7 नंबर, उनके लिए दिन ठीक है। यदि मैंने कहा है कि नक्षत्र सिद्धांत से आज आपका दिन कमजोर है, फिर भी ये जो मैंने कहा कि चंद्रमा में बल है, तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं सिर्फ चंद्रमा में बल होने से वो नष्ट हो जाता है। तो आपका दैनिक नक्षत्र फल ये रहा। क्योंकि बहुत लंबा आज बोलने के मूड में नहीं हूं, तो एक दूसरी बात, जो क्योंकि शादी ब्याह का समय है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हल्का टिप्स कुछ दे दिया करूं, जो समझ सके, या आपको कहीं कुछ मदद मिल जाए। जो लोग जिनके बाल बच्चे की शादी हो रही है, होने वाली है, उनके लिए तो विशेष बात रहेगी। कॉम्बिनेशन है जो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट जो ज्योतिष है उनको बहुधा इसका ऐसी कुंडली देखने में आती होगी। मान लिया इस लग्न का ग्रह यहां पर आ जाए, लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए, और ये अष्टमेश फिर लग्न में आ जाए, लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए और अष्टमेश लग्न भाव में आ जाए, लग्न मृत्यु के घर में चला जाए और मृत्यु का ग्रह अष्टमेश लग्न में आ जाए, वही चीज मैं बोल रहा हूं। अब यदि बहुत क्यों प्योर होके जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। मान लिया यहां पर किसी का 5 नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब लग्नेश मतलब सूरज यहां पर आ जाए, अष्टम भाव में आ जाए, और 12 नंबर अष्टमेश के लॉर्ड यहां पर गुरु आ जाए। तो एक बात होती है, जैसे मैं अपने पड़ोसी के घर जाऊं या अपने किसी मित्र के घर में जाऊं और मित्र मेरे घर में आए, और ये बराबर होता है, बहुत लगन से प्रेम से हम लोग आते जाते हैं, तो मतलब क्या है, मेरे घर में उनके घर में मित्रता हो जाती है और कोई चीज छुपी नहीं रहती है। वी नो ईच अदर, वी नो एवरीबडी ऑफ दिस फैमिली एंड अदर फैमिली ऑल्सो, वी आर एक्वेंटेड विथ ईच अदर, एकदम घनिष्ठता है। ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि सूरज भी स्वग्रही है, स्वग्रही है सूरज माने बलि है, और गुरु भी स्वग्रही है, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, तो सूरज भी बलि है और यहां पर गुरु भी बलि है। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, सूरज में बल है और गुरु में बल है। अष्टम भाव को हम लोग सबसे ज्यादा बदनाम करके रखे हैं, कारण की भौतिक दृष्टिकोण से अष्टम भाव जो है ये मृत्यु को इंडिकेट करता है,
आप अष्टम भाव को समझ लीजिए तो आप समझ लेंगे कि आपकी आयु कैसी है, आप समझ लेंगे कि इस धरती पर कितने दिनों तक आप सांस लेंगे, आप समझ लेंगे कि धरती के किस हिस्से में आपकी मृत्यु होगी, आप ये समझ लेंगे कि मृत्यु के समय आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप ये समझ लेंगे कि मृत्यु के बाद आप किस लोक में जन्म ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं, क्योंकि मृत्यु से संबंधित है इसलिए अष्टम को त्रिक में स्थान दिया गया है। थ्री हाउसेस ऑफ सॉरो, सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ सॉरो, एट्थ हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ सॉरो और ट्वेल्थ हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ सॉरो। छठे घर, आठवें घर, बारहवें घर को अशुभ कहा गया है। तो ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा, किसी के कुंडली में ऐसी स्थिति हो, वो बात तो हमने जनरल बता दी आपको, लेकिन जो लोग नए नए सीख रहे हैं थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए डायरी में, ये कॉम्बिनेशन बराबर मिलता है, बहुत जल्द देखिएगा बहुधा मिल जाएगा आपको। इसमें एक रिजल्ट तो ये होगा कि मृत्यु भय है, मतलब गणित के हिसाब से आपकी आयु यदि 90 साल भी है तब भी मृत्यु भय लगा रहेगा, कभी भी अचानक कुछ हो तो अकाल मृत्यु हो सकती है। तो जब भी कुंडली देखें तो जरूर देखें कि इनके पूरे जीवन में कभी ऐसा तो नहीं चला आ रहा है कि अष्टमेश और लग्नेश की दशा चल रही हो, या अष्टमेश या षष्ठेश की दशा चल रही हो, अष्टमेश और इलेवेंथ लॉर्ड की दशा चल रही हो। तो उस पीरियड में यदि दशा अंतर दशा या और किसी कारणों से लगे कि हाँ इस समय चोट घाट लग सकती है तो अकाल मृत्यु संभव है। यद्यपि आयु 90 साल है एक इसको समझ लीजिए, दूसरा जो इन दिनों आजकल होता नहीं है, तो पहले पिछले जमाने में हम लोग अपना धन पैसे जमीन के नीचे गाड़ करके रखते थे, बैंक लॉकर नहीं हुआ करता था, तो बाढ़ आ गई, आग लग गया, लोग उजड़ गए, छोड़ के चले गए, लेकिन उन या मर गए, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, क्योंकि उस जमाने में हुआ करता था, तो वो धन तो जमीन में गड़ा हुआ है। कभी यदि वहां पर आपको घर बनाने का मौका मिलेगा कोड़ेंगे तो आपको गड़े हुआ धन मिल सकता है, तो गड़ा धन भी मिल सकता है। अब इसको जिस अर्थ में लीजिए आप, या उसको बोलते हैं धन ज्ञान को कहा गया है, ज्ञान का मतलब धन है, अब धन है आपके पास वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है एक ज्ञान धन कभी खत्म नहीं होता है। साधु संत महात्मा धन जमा नहीं करते हैं, एक भिक्षा पात्र लेकर के कहीं भी भिक्षा मांग करके एक शाम का खाना खा लेते हैं, उनको मालूम है मेरे पास ज्ञान है, कब भी जरूरत होगी तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। तीसरा है, इसी को हमने कहा गूढ़ ज्ञान, गूढ़ ज्ञान धन, गुप्त
को मृत्यु को बोलते हैं, मृत्यु अबुझ चीज है, इसको समझना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी का खास गणित है। तो कहा कि गुप्त गूढ़ पाप धन, अब इस श्रेणी में आजकल की दुनिया में तो वो लोग आ जाते हैं जो दूसरे का धन हरण कर लेते हैं, जबरदस्ती आक्रमण करके या कैसे भी जोर जबरदस्ती करके दूसरे का धन, जमीन वगैरह वगैरह, या चोरी करके धन ले लेते हैं, या जो लोग घूस लेते हैं। आधुनिक काल में कोई व्यक्ति घूस लेकर के भी बड़ा हो गया हो, चाहे वो किसी भी विभाग में काम करता हो, तो चूंकि उसके पास धन आ गया है तो वो ग्लोरीफाइड हो गया है। पाप का धन भी दूसरे जानते हुए भी कि ये व्यक्ति घूस लेकर के पैसा कमा करके इतना बड़ा हुआ है, फिर भी वो व्यक्ति आदर पाता है समाज में, ये बड़ा होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास घूस का धन है उनको समाज से बहिष्कृत किया जाए, ताकि और भी बाल बच्चे इस गलत रास्ते पर ना जाए आगे पढ़ लिख करके। तो एक गुप्त धन या गुप्त पाप धन की बात आती है। इसमें एक और चीज आता है, राजदंड। अष्टम लग्न में हो, अष्टमेश लग्न में हो, लग्नेश अष्टम में हो, तो ये मान करके चले कि ये कभी न कभी दंड पाएगा राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा। आप देखते हैं बहुतों के पास ईडी चली जा रही है, बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, तो कहीं न कहीं अष्टमी इसका रोल है इसमें। और अब उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, मान मर्यादा रुतबा धन हानि सामाजिक प्रतिष्ठा अपने बाल बच्चों के नजर में भी गिर जाते हैं। तो एक वो बात आ गई, और ये आदमी छली है, छल करने वाला है, धोखा देने वाला है। अष्टमेश लग्न में हो, लग्नेश अष्टमे हो, मैं और मैंने पहले भाव की बात नहीं बोल रहा हूं, दूसरे भाव को मैंने जानबूझ करके अष्टम स्थान को लिया है। कारण कि आजकल देखिए कुंडली देखने जाइए, लड़के लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। मान लिया लड़के की कुंडली में ऐसा है तो लड़का तो अपवित्र है, अब वो बहुत धनी है और बहुत घूस लेके कमा रहा है, आपको पसंद पड़ता है तो आपकी प्रॉब्लम है, नहीं तो कम से कम आप कुंडली से इतना तो जान सकते हैं। और आप यदि पंडित जी हैं या आपने ज्योतिष को प्रोफेशन बना लिया है तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये छल कपट करने वाला व्यक्ति है। इस ऐसे व्यक्ति अपने घर में समाज में रहने के लायक नहीं है, ये व्यक्ति कानून के विरोधी है, जानबूझ करके कानून तोड़ेगा। इससे बहुत सारे जो भुजदंड वाले आदमी हैं जिनके पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, बाहुबली जिनको कहते हैं, वो लोग कानून तोड़ते भी हैं। अब इन दिनों बहुत, आज की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समाज में बहुत बार ये सब चीज पढ़ने को मिला कि कोई कोई ऐसे भ्रष्ट थे जिन्होंने कोई दरोगा या पुलिस वाला उनके रास्ते को रोक लिया कुछ, तो उसको मारते भी थे और उसकी वर्दी उतार करके बोलते थे मेरे जूता साफ करो,
माने कानून का भी कोई चीज कोई भय नहीं है आदमी को, समाज का भी कोई भय नहीं, समाज को भी विरोध कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। मैंने ये चार पांच बातें बताई हैं, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। लग्नेश अष्टम भाव में हो, अष्टमेश लग्न में हो, इसके विपरीत भी ये अपवाद में भी कुछ होते हैं। अब उतना बताऊं तो फिर तो घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो हमने सिर्फ समझने के लिए आज हमने आपको आकाश के ग्रह कैसे हैं उसकी जानकारी दी, षडाष्टक हैं कैसे हैं, भारतवर्ष के लिए हमारा जो लग्न है, दूसरे राष्ट्र वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दिन तो शुभ नहीं है, और नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से किस ग्रह के लोगों को सावधानी रखनी है वो हमने आपको बताया, और तीसरा ये पॉइंट बताया, इट इज अ स्पेशल टिप्स फॉर दोस हु आर इन स्टडी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। देखिए जो लोग विद्वान हैं वो तो जानते हैं ना इस विषय को, लेकिन उनका ज्ञान तो वहीं तक सीमित है, अपने ही लिए सीमित है। मैं इसको आपको सुलभ बता रहा हूँ, सुलभ करके, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें समाज के भलाई के लिए, फॉर हेल्पिंग ऐसे गार्जियन जो बेचारे उनके पास बहुत साधन नहीं है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, उतने उनके पास पैसे नहीं है, तो यदि ऐसे आप उनको मदद कर सकते हैं तो आप ईश्वर के घर में भी साधुवाद के उत्तराधिकारी होंगे, ईश्वर भी आप पर प्रसन्न होंगे। आज यहीं तक, इति शुभम त्रिहंदो निनाग्ये जोहार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मेरे डायरेक्टर साहब उनका भी परीक्षा वगैरह है तो मैं उनको उनके समय को यूटिलाइज कर लेता हूँ, और ठंडक के कारण हम लोग सभी को, मेरी उम्र है तो उम्र के कारण मैं परेशान हूँ, वो बालक है तो वो ठंडक के कारण परेशान है, तो कहीं न कहीं त्रुटि हम लोग से हो जाए तो नाराज मत होइएगा। इतनी सुबह